Hey everyone, welcome in the channel. Today we are doing our chapter number 7, pronoun. Pronoun क्या होते हैं? Pronouns are words that are used in place of noun. वो शब्द जो noun के स्थान पे use किए जाते हैं, उनको हम बोलते हैं pronoun. हमारे यहाँ पे जो pronoun दिए गए हैं, वो first है personal pronoun. Personal pronoun क्या होता है? Personal pronoun में तीन लोगों की need होती है, तीन person होते हैं उसमें, first person, second person and third person. सेकेंड है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव, जो हमें जगह के बारे में बताता है. इसमें आते हैं दिस, दैट, दीज और दोज. दीज एंड दोज. इंटरोगेटिव, जिसमें हम क्वेश्चन पुटअप करते हैं, जिसमें क्वेश्चन मार्क आता है. और पजेसिव होता है जब हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा अपना कह के बोलते हैं, पजेशन करते हैं उसके ऊपर. नाउ वी आर डूइंग अवर एक्सरसाइज. आपको यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन पे एनसर्कल करना है. फर्स्ट में है आई, सेकंड में मी, थर्ड में हिम, फोर्थ में इट, फिफ्थ में यू, सिक्स में दे. फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन फिलअप करना है यहाँ पे. दिस इज माई कार, इट इज रेड इन कलर. नेहा इज माई सिस्टर्स फ्रेंड, सी मीट्स. माई मदर इज अ डॉक्टर, सी ट्रीट्स. पिंकी इज अ क्लेवर गर्ल, सी वॉन. द ओल्ड मैन कैन नॉट वॉक, ही मूव्स. माई सिस्टर एंड आई लाइक टू प्ले पियानो, वी प्रैक्टिस. नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, टेक द करेक्ट ग्रुप ऑफ ऑप्शन टू कंप्लीट ईच सेंटेंस. यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको पिकअप करना है और सेंटेंस को कंप्लीट करना है. दिस इज द फूड यू ईट, थर्ड पे टिक करना है आपको. सेकंड है दोज ही, फिफ्थ में है आपका दीज देम, फिफ्थ में है दिस सी, नेक्स्ट है आपका दीज इट, दिस वी. ये आपका चैप्टर नंबर 7. प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें.